छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाएगी, किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, और शुगर ने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। तो शुगर को बुलाया गया था, जैसा कि मैंने बताया था तुम लोगों की को कि उन्हें समन किया गया है और उन्हें बुलाया गया। तो वो पहुँचे अपना, पहले उन्होंने मिलिट्री का जो वर्क है उसे कंप्लीट किया, और 7:45 में वो पहुँचे सियोल में योनसन पुलिस स्टेशन, और वहाँ पर उनसे पूछताछ करी गई और उन्हें रात में 11:45 में छोड़ा गया। और शुगर ने इस दौरान उनसे कई सारे सवाल किए गए अंदर में, जिसमें उनसे पूछा गया कि उनका ड्रिंकिंग करने का इंटेंशन क्या था, लाइक उन्होंने ड्रिंक क्यों किया था इतना ज़्यादा। फिर उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें ड्रिंक और ड्राइव को लेकर जो रूल्स है कोरिया में उसके बारे में नहीं पता था। फिर उनसे पूछा गया कि आपने तुरंत रिपोर्ट क्यों नहीं किया वगैरह वगैरह के बारे में। तो जानकारी मिली है कि शुगर उतना कुछ बता नहीं पाए। हालांकि शुगर ने मीडिया से इंटरेक्शन भी किया और इस दौरान उन्होंने माफ़ी मांगी है अपने लोगों से, आर्मी से। उन्होंने कहा कि मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, उन्होंने सर झुका के माफ़ी मांगी है और कहा है कि उन्हें पता है कि उनके इस हरकत की वजह से बहुत सारे लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, उन्हें इस बात का बहुत रिग्रेट है। और उन्होंने कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो नेक्स्ट टाइम से कभी भी ऐसा ना करें। देखो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने सर झुका के माफ़ी मांगी और कहा कि वो सबसे माफ़ी चाहते हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने जो किया है उससे बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हैं, उन्हें इस बात का बहुत रिग्रेट है कि उन्होंने ऐसा किया है, और वो पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे और वो पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से वो कभी भी ऐसा कुछ ना करें जिससे लोगों को हर्ट हो। शुगर की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि साउथ कोरिया में उनके खिलाफ जम के प्रदर्शन हो रहा है, आर्मीज ही कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक ऐसी आर्मी है जो शुगर के खिलाफ इतने प्रदर्शन कर रही है, जबकि तुम देखो तो ये कोई एक्सीडेंट था। ठीक है, रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट में काम हुआ है, तो आपका काम है कि सामने वाले को ऐसा सबक सिखाओ कि वो अगली बारी से ऐसा ना करे। तो शुगर को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि वो अगली बार से ऐसा ना करे। पर इस पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का तो मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आता है। लाइक अगर आप वीडियो को देखो तो आपको देख के पता चलेगा कि शुगर जो है वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे थे और उसे पार्क करते हुए वो गिर गए और दो पुलिस वालों ने उन्हें देखा। ऑफ कोर्स उन पर फाइन लगने चाहिए और उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है। और शुगर को बहुत ज़्यादा टारगेट भी किया जा रहा है क्योंकि शुगर के ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही है। मुझे लगता है कि हाइप को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए अगर शुगर को टारगेट किया जा रहा है तो। अब मुझे तो कोरिया का जो लॉ है वो नहीं पता ट्रैफिक उल्लंघन का, पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश में ट्रैफिक उल्लंघन के लिए इतनी बड़ी सज़ा मिलती है।